नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव मजबूत या कमजोर सरकार चुनने के लिए होगा। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को विफल बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मामले में कांग्रेस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में देरी कराने के प्रयास का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों दल 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल की राज्यसभा जीत के खिलाफ एक याचिका में 6 बिंदु तय किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा के शतक के बावजूद सिडनी में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 34 रन से हराया। और महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन को विफल प्रयोग बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन में शामिल दल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कमजोर सरकार बनाने के इरादे से एकजुट हो रहे हैं। इन दिनों भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रताड़ित करने का अभियान चल रहा है। जब कांग्रेस इतनी गर्त में भी नहीं थी, तब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। अब आज जब कांग्रेस रसातल में है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है, तो ये कांग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कांग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जनता को तय करना है कि वो मजबूत सरकार चाहती है या गठबंधन वाली कमजोर सरकार। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में अपने वकीलों के माध्यम से अयोध्या मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दल झूठे आरोप लगाकर प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना चाहते थे। कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण से नए भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अन्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है।
बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सरकार का ध्येय है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र अपनाना होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जब भी नेतृत्व की बात आती है विपक्ष असहज महसूस करता है, क्योंकि उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई मजबूत मेहनती और कामयाब नेता नहीं है। विपक्ष नेतृत्व के विषय को टालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की इच्छा को टाल नहीं सकते। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेंगी, लेकिन आज उनमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि नेतृत्व के विषय को लेकर हमारे नेता के सामने खड़े हो पाए। पार्टी नेता अरुण जेटली ने राफाल सौदे के बारे में कहा कि एनडीए सरकार ने 20% सस्ती दर पर यह सौदा किया और करोड़ों रुपए की बचत की। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रस्तावित महागठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस वर्ष का आम चुनाव कोरी बयानबाजी और जमीनी स्तर पर हुए काम के बीच होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है। संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह कानून 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों राज्य में लोकसभा की 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दो सीटें उन्होंने अन्य दलों के लिए छोड़ दी है। ये गठबंधन अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगा। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये गठबंधन देश और जनता के हित में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से भाईचारा बनाए रखने और गठबंधन के लिए काम करने की अपील की। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में राज्यसभा चुनाव में गुजरात से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका के 6 मुद्दों को विचारणीय माना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बलवंत सिंह राजपूत ने यह याचिका दायर कर श्री पटेल के निर्वाचन को चुनौती दी थी। न्यायालय इस मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को करेगा। इस महीने के शुरू में उच्चतम न्यायालय ने श्री पटेल से राज्यसभा के लिए उनके निर्वाचन के मामले में मुकदमे का सामना करने को कहा था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कारोबार की सुगमता के अनुकूल माहौल बनाने के सरकार के उपाय और सुधार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अनुरूप लोगों का रुख प्रगति और विकास के पक्ष में है। श्री नायडू ने आज मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ के 25वें भागीदारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत ने स्थायी लोकतंत्र और दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की दो उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला ने न केवल अधिक करदाताओं को जोड़ा है बल्कि कर दरों में कमी लाने में भी सरकार को सक्षम किया है, व्यापार करने के तरीके में भी सुधार किया है। जीएसटी को लोकप्रिय होते देख खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे परिवर्तनकारी क्रांतिकारी फैसला है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। इसका विषय है नए भारत की आवाज बने, समाधान करें और नीति में अपना योगदान करें। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस अवसर पर कहा, हम देश के हर जिले में ये यूथ फेस्टिवल कराएं इस रूप में कि 18 से 25 साल की उम्र के बीच के जितने भी नौजवान हैं उनको ये अवसर मिले कि वो नए भारत का निर्माण किस तरह से हो सके उसके ऊपर चिंतन और चर्चा करें। इस मौके पर कर्नल राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा, जिसमें श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव युवाओं के लिए अपनी सामूहिक आकांक्षाओं को स्वर देने का एक आदर्श अवसर है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पापा, कल मैं 15 की हो जाऊंगी, कहीं ले चलो। हाँ हाँ, चलेंगे ना पोस्ट ऑफिस। मेरा मतलब घुमाने ले जाने से था। घूमने भी जाएंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस पहले जाएंगे। लेकिन क्यों? 5 या 15 की उम्र पर आधार में बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने होते हैं। ये अपडेट पोस्ट ऑफिस या बैंक के आधार केंद्र पर होता है। और उसके बाद मूवी। हाँ हाँ, उसके बाद मूवी। आधार केंद्रों की लिस्ट UIDAI.gov.in पर या 1947 पर कॉल करके मिलेगी। मेरा आधार, मेरी पहचान। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि जिले के यारीपोरा इलाके के काटापोरा गांव में आतंकवादियों का सुराग मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। सूत्रों के अनुसार जैसे ही सुरक्षा बलों ने छिपे आतंकवादियों की तलाशी शुरू की वैसे ही उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। आकाशवाणी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया, काफी दिनों से ये लोग कुलगाम में एक्टिव थे और ये अलबदर और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों के साथ चलते थे। हिजब का कमांडर जो जीनतुल इस्लाम है उसका नाम भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बीच में मारा गया। इसकी आइडेंटिफिकेशन तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा, मगर ये एक एरिया में जो इनका आतंक है बड़ा अरसा जो इन्होंने चलाया, मुझे लगता है कि इसमें काफी इस इलाके में फर्क पड़ेगा और ये सुरक्षा बलों के लिए अच्छा ऑपरेशन है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 34 रन से पराजित कर दिया है। 289 रन के जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 254 रन ही बना सके। भारत के लिए रोहित शर्मा ने शानदार 133 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। उधर मध्यम तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। खेलो इंडिया युवा खेलों में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ ने अंडर 21 ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मानवादित्य ने 39 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की अंडर 21 ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में मध्य प्रदेश की मनीषा कीर ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू और उत्तरायण की बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव मजबूत या कमजोर सरकार चुनने के लिए होगा। श्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को विफल बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मामले में कांग्रेस पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में देरी कराने के प्रयास का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। दोनों दल 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल की राज्यसभा जीत के खिलाफ दायर एक याचिका में 6 बिंदु तय किए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।